हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं 2 इयर्स बेबी के लिए नाइट सूट। तो ये मैंने इसके लिए ये कपड़ा ले लिया है। ये लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है कपड़ा, और इसमें से हम नाइट सूट बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसको फैला के रख लेती हूँ इस तरीके से ज़मीन पर। और अब ये देखिए, हमने फैला लिया है और देख सकते हैं आप, ये मैंने रखा है 2 फोल्ड में इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ से, जहाँ से हमारा खुला हुआ हिस्सा है, वहाँ से हम इसमें 8 इंच नाप कर मोड़ लेते हैं इसको, कपड़े को इस तरीके से। तो हम चेक कर लेते हैं, ये हमने 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और इसका हम पहले बेबी का पजामा बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 20 इंच इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ मैं निशान लगा लेती हूँ एक, सेम नीचे से भी नाप लेते हैं 20 इंच, दोनों साइड से नाप कर हम एक निशान लगा लेते हैं इसमें, और फिर इसमें सीधा निशान लगा लेते हैं एक। अभी हमने लंबाई के लिए निशान लगा लिया है, अब हम इसमें ऊपर से 2 इंच का निशान लगाएंगे जो कि हमारी बेल्ट बनेगी। तो ये मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब ये जो नीचे हम ऊपर बेल्ट बनाएंगे और नीचे इसकी मोरी बनाएंगे, तो मोरी में भी थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड होता है, तो उसके लिए 1 इंच का हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। तो अब हमारी जो टोटल लंबाई आएगी लोअर की, वो आएगी 17 इंच। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है एक, और यहीं से हम इसकी लंबाई लेते हैं हल्की सी, ये 9 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। इसमें ये इसकी आसन की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ भी मैंने 2 इंच पर निशान लगाकर यहाँ भी सेम 2 इंच लिया है, और यहाँ भी, और दोनों को हम अब सीधा करके मिला लेते हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से एक ब्लॉक रेडी कर लेते हैं। और अब ये देखिए, अब जो हमारी ये लाइनिंग 2 हमने बनाई है, इसमें बीच में हल्का सा इस तरीके से गोलाई देंगे, इस तरीके से ये मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है। तो हमारी ये निशान लग चुका है अब, और अब हम मोरी इसकी रखेंगे 5 इंच की। तो हम पहले 5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं, और अब इसमें हम 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो अब इन दोनों निशानों को मिलाकर हम सीधी एक निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारी बन चुकी है, अब देखिए निशान सारी। मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ, मैंने यहाँ से इसकी जो चौड़ाई ली है 8 इंच, सेम यहाँ से भी 8 इंच की चौड़ाई ली है। अब यहाँ पर ऊपर हमने 9 इंच पर निशान लगाया है आसन की कटिंग करने के लिए। यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाया, और यहाँ भी 2, और इसको दोनों को निशान को मिलाकर इस तरीके से हमने हल्का सा कर्व दे दिया है। और नीचे मोरी पर 5 इंच पर निशान लगाने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और इनको मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी बच्चे के लोअर की निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं उठाकर, और अब हम इसके ऊपर पहनने के लिए शर्ट बनाते हैं नाइट सूट की। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मुझे, पहले मैं इसको कट करके अलग कर लेती हूँ। और अब आप देख सकते हैं, ये आ रही है हमारी खुली हुई साइड। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर करके इसको, ये तो ये हमारी खुली हुई साइड आ रही है। तो हम इसमें लंबाई हमने इसकी ली है 18 इंच, और 18 इंच यहाँ पर लंबाई नापने के बाद, यहाँ हम 2 इंच पर जो खुला हुआ हिस्सा है आगे का, वहीं 2-2 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाकर इस तरीके से इसको सीधा कर लेते हैं। इतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और ये हमने 2 फोल्ड लिया है। पहले हम सिर्फ आगे के पीस की कटिंग कर रहे हैं, पीछे के पीस की हम बाद में कटिंग करेंगे अलग अलग। यहाँ मैंने 7 2, देखिए आप, 2 फोल्ड है। अब इसके बाद मैंने ये 7 इंच ली है इसकी चौड़ाई, सेम नाप कर हम इसको सीधा निशान लगा लेते हैं।
मैं इसे सीधा कर लेती हूँ बिल्कुल। अब इसको कट करके अलग कर लेते हैं और आगे के पीस की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें 5 इंच यहाँ से, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ से लेकर 5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाते हैं और यहीं से हम लंबाई लेंगे 5 इंच की ही, तो ये आर्म होल हो जाएंगे हमारे। तो हम इनको अब सीधा कर लेते हैं और सीधा करके किस तरीके से निशान लगा लेते हैं। और अब इसको हम हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे देते हैं आर्म होल्स के लिए। ज़्यादा नहीं गहराई देनी है क्योंकि ये बच्चे का ही बेबी का शर्ट है, तो ज़्यादा इसमें आर्म होल की गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है। और नाइट सूट तो थोड़ा सा लूज़ ही रखा जाता है। अब हम इसमें नेक की कटिंग करते हैं। इसमें मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है और इसकी नेक की गहराई के लिए भी मैंने 2.5 इंच पर ही एक निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। अभी निशान लगने के बाद हम इसको मिला देते हैं और गोलाई ना देकर हल्का सा वी शेप देते हैं, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो कॉलर लगाने के लिए वी शेप ही दी जाती है। अब ये देखिए, इतना होने के बाद जो ये निशान लगाए हैं इन्हें मैं कट कर देती हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी है आर्म होल की और अब हम नेक की भी कटिंग करते हैं। तो ये मेरा आगे का पीस कट चुका है और अब हम सेम, ये देखिए इधर हमारी ये फोल्ड हो जाएगी इतनी पट्टी, ये हमारी बटन पट्टी बन जाएगी। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसका बचा हुआ, उसको भी हम रखते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से कपड़े को रखते हैं। और अब जो हमने आगे के पीस की कटिंग करी है, इसमें जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने अलग करके इस तरीके से कटिंग कर ली है पीछे के पीस की। मतलब हमें आगे वाले पीस में सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि बटन पट्टी निकालनी है, बाकी का सेम कटिंग हो जाएगी। और अब ये देखिए बचा हुआ पीस है, इसको हम इस तरीके से रखते हैं। ये ऊपर से जुड़ा हुआ है और नीचे से कटिंग हो रही है, तो ये नीचे की साइड से खुला हुआ है। तो ये हमारे 4 फोल्ड हैं। इसमें मैंने 6 इंच पर एक निशान लगा लिया है स्लीव्स की चौड़ाई के लिए, और स्लीव्स की लंबाई मुझे रखनी है 11 इंच, तो ये मैंने निशान लगाकर इसको सीधा इस तरीके से कर लिया है। और अब हम इस तरीके से मिला लेते हैं दोनों निशानों को और अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाने के बाद हल्का सा कर्व देते हुए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए निशान लगा लेते हैं। और तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देते हैं इसकी कटिंग। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको देखिए, ये डबल है हमारी, दोनों हाथ इसमें दोनों स्लीव्स कट चुकी हैं। अब हम इनको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इस तरीके से हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है इनको। ये मैंने फोल्ड कर लिया और अब हम एक बराबर करके इसको बीच में हल्का सा कट कर देते हैं, नॉच लगा देते हैं ताकि हमें स्लीव्स का सेंटर पता चल सके। और अब ये देखिए, हम चेक कर लेते हैं। पहले हम 2 फोल्ड लेते हैं, अब इस तरीके से खोल के रख लेते हैं और हल्का सा गहराई देते हुए आगे की स्लीव्स के लिए निशान लगाते हैं। इसमें हल्का सा गहराई देते हुए कटिंग कर देते हैं हम आगे की। तो ये हमने कटिंग कर दी है, हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम इन्हें एक साइड रख देते हैं और अब हम इसमें लोअर की स्लाइस करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लोअर को खोला और अब आप देख सकते हैं ये हमारा लोअर रखा है 2 फोल्ड में, पहला और दूसरा 2 पीस हैं। अब हम इनको दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेते हैं। अब मैंने पहले इस तरीके से रखा है, ये हमारी सीधी साइड है
और जो दूसरा पीस रखेंगे हम उसको सीधी साइड, मतलब दोनों सीधी साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं इस तरीके से, एक बराबर मिला देते हैं दोनों को। और मिलाने के बाद अब जो हमने ऊपर इसमें कटिंग करी थी उस पर हम सिलाई लगा देते हैं, दोनों साइड पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं इसमें। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने, और अब सिलाई लगाने के बाद इसमें नीचे जो मोहरी हैं इसकी, इनको हम इस तरीके से, ये देखिए वन फोल्ड और ये टू फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। और सेम हम दूसरे पांचे के साथ भी करते हैं, दूसरे जो मोहरी आ रही है इसकी पजामे की, इसमें भी हम इस तरीके से टू फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए सिलाई लगा चुकी हूँ मैं, और अब आप देखिए इसमें दोनों में हमने सिलाई लगा ली है, और इस तरीके से अब हम यहाँ से इसको ऊपर की साइड से पकड़कर खोल लेते हैं। तो देखिए हमारी पजामे की शेप बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब हम इन दोनों नीचे जो हमारी मोहरी आ रही हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे में इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो ये सिलाई लग चुकी है, अब ये हम यहाँ पर बेल्ट फोल्ड करेंगे इसकी इस तरीके से। यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे, तो इलास्टिक जितनी आप डालें, जितनी चौड़ाई रखनी है आपको उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद हल्का सा अंदर दबाते हुए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से फोल्ड करते जाएं हल्का हल्का सा, यहाँ पर एक इंच हल्का सा निशान छोड़ दें ताकि आप उसमें से इलास्टिक को इसमें डाल सकें। तो ये देखिए सिलाई लगा ली मैंने, और यहाँ पर हल्की सी जगह खाली छोड़ दी है बिना सिलाई के। सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये लोअर रेडी है बिल्कुल। अब इसमें हमें सिर्फ इलास्टिक डालनी है, तो ये मैंने इसके लिए इलास्टिक ली है, और आधे इंच की इलास्टिक है ये, और ये मैंने 2 ईयर्स के बेबी के अकॉर्डिंग ली है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इस इलास्टिक को इस सेफ्टी पिन की सहायता से मैं इस तरीके से ऊपर बेल्ट में इसमें डाल देती हूँ। अब जो हमने ये हल्की सी जगह खाली छोड़ी थी उसी में से हम इस सेफ्टी पिन को डालते हुए पूरे लोअर में इस इलास्टिक को डाल देते हैं। तो मैंने डाल दी है, और देख सकते हैं आप मैंने पूरी इलास्टिक डालने के बाद पिन को निकाल देती हूँ, और अब इन दोनों इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए पूरा लोअर रेडी हो चुका है बच्चे के लिए। और ये कपड़ा लेने से पहले आप ना थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा ही देखें, क्योंकि बेबीज को सॉफ्ट कपड़े अच्छे लगते हैं और हल्के भी। तो ये लोअर तो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे एक साइड रख देते हैं, और अब ऊपर के शर्ट की सिलाई शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने आगे का पीस लिया है दोनों, और ये पीछे का एक पीस लिया है। इस पीछे वाले पीस के ऊपर ही हम आगे वाले पीसेस को रखते हैं। तो दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं इस तरीके से। जो बटन पट्टी बनाने के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उस साइड को रखेंगे सेंटर में, और बाकी का इधर उधर हम लगा देते हैं ऊपर के पीसेस को, और यहाँ पर हम शोल्डर पे सिलाई लगा देते हैं। ये सिलाई लगा दी है मैंने देखिए, और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। अब हम इसमें स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो ये स्लीव्स देखिए, ये स्लीव्स में हमने एक साइड कटिंग करी थी, ये हमने इसमें कटिंग करी हुई है। तो जो कटिंग वाली साइड है वो साइड हम लगाएंगे आगे वाले पर्दे की तरफ। तो इस तरीके से हम रखेंगे, जो हमने सेंटर में नॉच कटिंग करी थी उसको शोल्डर में सेंटर पे रख लेते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर गोलाई पे पूरा निशान लगा लेते हैं। सेम दूसरे वाले शोल्डर पे भी स्लीव्स को स्टिच करते हैं, जो हमने स्लीव्स में नॉच लगाई है उसे
शोल्डर के निशान के ऊपर रख लेते हैं और रखने के बाद कटिंग वाला हिस्सा लगाते हैं आगे की तरफ और पूरा वाला हिस्सा लगा देंगे पीछे की तरफ। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है इसमें। अब जॉइंट करने के बाद हम इसकी स्लीव्स को हल्का सा इस तरीके से दो बार फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। दोनों स्लीव्स में हमें यही करना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। अभी देखिए सिलाई लगा दी है हमने, अब हम इसकी करते हैं फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए हमें ढीला ही रखना है ये, तो ज़्यादा फिटिंग का ऐसा कुछ इशू है नहीं है इसमें। तो इसके लिए हम इसको सीधा रखते हैं इस तरीके से और यहाँ से लेकर पूरा स्लीव्स तक इसमें सीधी सिलाई लगा देते हैं। सेम दूसरी साइड से भी हमें यही करना है, यहाँ से भी हमने दोनों को एक बराबर करके रखा इस तरीके से और सीधी सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए सिलाई लगा दी है मैंने, ये हमारी फिटिंग हो चुकी है इसमें। अब ये जो हमारी आगे वाले पर्दे में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था इस तरीके से, तो उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं अंदर की तरफ ही, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। सेम प्रोसेस हमें दूसरे पर्दे के साथ करना है, इसमें भी 2 इंच पर फोल्ड करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। तो ये हमारी बटन पट्टी बन जाएगी, एक साइड पे बटन लग जाएंगे और एक साइड पे काज हो जाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड। अब हम इसको खोल लेते हैं और ये जो हमारे नीचे की किनारी है इसकी शर्ट की ये वाली, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं 2 फोल्ड, वही एक बार फोल्ड और ये दूसरी बार। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम पूरे में यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। तो ये हमारी शर्ट तो रेडी है एक तरीके से, अब इसमें सिर्फ कॉलर लगाना है। बटन पट्टी भी बन चुकी है, फिटिंग भी हो चुकी है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी नेक है पहले हम इसको नाप लेते हैं कितना इंच है ये। तो इसको इस तरीके से इंची टेप रख के हम पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं कितनी है। तो ये देखिए हमारी 14 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो हम 15 इंच मानते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ था 2 फोल्ड बीच में से जुड़ा हुआ है ये, तो इसकी लंबाई हमने जो हमने नेक की लंबाई ली है वो 15 इंच ली है, तो हम 15 इंच पर ही कॉलर की कटिंग करेंगे। और इसकी चौड़ाई ले लेते हैं हम 3 इंच की। तो यहाँ पर 3 इंच पर मैं निशान लगा देती हूँ दोनों साइड से और इस तरीके से निशान लगा के इसको सीधा कर लेते हैं। अब इस निशान पर मैं कटिंग कर देती हूँ। अब हम ये देखिए इस तरीके से इसको उल्टा फोल्ड कर लेते हैं और उल्टा फोल्ड करने के बाद यहाँ दोनों साइड पर सिलाई चला देते हैं। तो ये देखिए सिलाई हो चुकी है, अब हम इसको खोल लेते हैं इस तरीके से। तो हमारा कॉलर रेडी है और इसके जो ये कॉर्नर हैं अगर खुले ना हो ढंग से तो हल्की सी कोई नुकीली चीज़ इसमें इस तरीके से डालकर इसको कॉर्नर को खोल लेते हैं। अब ये हम इस कॉलर को और ये जो हमने शर्ट बनाई है इस तरीके से जो इसकी नेक आ रही है उसके ऊपर रखते हैं कॉलर को। और ये देखिए हमारी 2 इसमें साइड हैं, तो इसमें हम सिर्फ एक साइड को इस शर्ट की नेक के ऊपर रखकर इस तरीके से यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हम एक साइड पर सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाली पे नहीं लगाने हैं, सिर्फ नीचे वाली साइड और शर्ट की उसको रख के हम सिलाई लगा लेते हैं। अभी देखिए सिलाई तो लगा ली मैंने, अब इसकी एक साइड खुली हुई है, तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। ये इस तरीके से सफाई से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं
और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर पूरे में फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे एक भी सिलाई नज़र नहीं आएगी कॉलर में और फिनिशिंग के साथ कॉलर लग जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें तीनों साइड पर भी एक सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए मेरा कॉलर भी लग चुका है शर्ट में, पूरी शर्ट रेडी है। अब इसमें हम पॉकेट लगाते हैं। ये पॉकेट में आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें तो पॉकेट नाइट सूट में अच्छी लगती है। तो ये मैंने इस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई देखी आप 4 और 5 इंच ले ली है। अब इस पीस को मैं इसकी राइट साइड पर रखती हूँ यहाँ पर, और ऊपर से जो है इसको 2 फोल्ड एक बार कर लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं पॉकेट पर। ये देखिए सिलाई लगा दी है पॉकेट के ऊपर। अब इसको मैं रखती हूँ शर्ट के ऊपर इस तरीके से, और हम इसको सेफ्टी पिन की सहायता से हल्का सा सिर्फ एक आगे वाली परत को पकड़कर यहाँ पर सेफ्टी पिन से अटैच कर देते हैं इस तरीके से, ताकि ये हिले नहीं और सिलाई लगाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। अब इस तरीके से हम तीनों किनारियों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, और तीनों किनारियों को हम इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देते हैं तीनों साइड। तो ये हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है, देखिए पॉकेट भी लग गई है। अब ये मैंने इसके मैचिंग के बटन ले लिए हैं, और इसकी एक साइड पर हम बटन लगा देते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से हम बटन लगा देते हैं इसमें, और इसकी जो दूसरी वाली पट्टी है इसके नीचे वाली, इस पर काज हो जाएंगे। ये देखिए आप कितने सिंपल तरीके से हमारे घर पर ही बच्चे का नाइट सूट तैयार हो सकता है, और इसका लोअर भी कितना अच्छा है, कंफर्ट है काफ़ी बच्चे के अकॉर्डिंग। तो ये हमने 2 इयर्स के बेबी के लिए बनाया है, और दोनों ही हमारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।